गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पिगमेंट्स इन एल्गी, मतलब एल्गी में तरह तरह के पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो उनको अलग अलग कलर्स प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। एल्गी में आपने देखा होगा बहुत सारे अलग अलग कलर्स में हमको एल्गी दिखती है। तो किसी का कलर रेड होता है, किसी का ग्रीन होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का येलोइश ब्राउन होता है, किसी का येलोइश ग्रीन होता है। वो सब उसका कारण है पिगमेंट्स का प्रेजेंट होना एल्गी में। तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे क्लोरोफिल। अब इसमें क्लोरोफिल में क्लोरोफिल ए बी सी डी एंड ई टाइप्स के एल्गी में पाए जाते हैं। इसका मतलब क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी एंड क्लोरोफिल ई, ये टाइप्स के पिगमेंट सारे एल्गी में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए जो है वो लगभग एल्गी के सारे क्लासेस में प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल बी जो है वो प्राइमरी पिगमेंट होता है क्लोरोफिल क्लोरोफाइसी और यूग्लिनेसी क्लास का। क्लोरोफिल सी फाइकोफाइसी एंड क्रिप्टोफाइसी एल्गी में पाया जाता है। क्लोरोफिल डी रोडोफाइसी एल्गी में पाया जाता है, जिसको हम रेड एल्गी भी बोलते हैं। और क्लोरोफिल ई जो है वो ट्राइबोनेमा ऑफ सेंथोफाइसी में पाया जाता है। वैसे ही क्लोरोफिल्स के अलावा केरोटिनॉइड्स भी प्रेजेंट होता है पिगमेंट में। ये दो तरीके के होते हैं, कैरोटीन्स और ज़ेंथोफाइल्स। कैरोटिनॉइड्स में बीटा कैरोटीन जो है वो एल्गी के लगभग सारी क्लासेस में प्रेजेंट होता है। कैरोटीन जो है वो रोडोफाइसी में प्रेजेंट होता है, और गामा कैरोटीन और लाइकोपाइन जो है वो क्लोरोफाइसी में प्रेजेंट होता है। ई कैरोटीन ब्लेसिलोरोफाइसी में प्रेजेंट होता है। 20 टाइप्स के ज़ेंथोफाइल्स कॉमनली एल्गी में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल और कैरेटिनॉइड्स के अलावा बिलो प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। बिलो प्रोटीन्स क्या होते हैं कि वाटर सॉल्युबल पिगमेंट होते हैं, और वो फाइकोसाइनिन भी हो सकते हैं, फाइको इरिथ्रिन भी हो सकते हैं, और एल्कोफाइकोसाइनिन भी हो सकते हैं, जो कॉमनली हमें रोडोफाइसी और क्रायोफाइसी में मिलेंगे। रोडोफाइसी में आर फाइको इरिथ्रिन जो है वो चिफ पिगमेंट होता है, और साइनोफाइसी में सी फाइकोसाइनिन चिफ पिगमेंट होता है। अब हम इसके नेचर ऑफ फूड रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जो एल्गी अपना खाना बनाती है वो किस रूप में उसको स्टोर करती है। तो जो प्राइमरी प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का, वो हम जानते हैं कि स्टार्च होता है, वो सारे ही एल्गी के ग्रुप्स में पाए जाते हैं। लेकिन फूड का एक्यूमुलेशन होने की वजह से काफ़ी लंबे समय तक अगर एक्यूमुलेशन होता है तो नेचर जो है फूड का, इनसॉल्यूबल रिजर्व फूड का चेंज हो सकता है। तो क्लोरोफाइसी में रिजर्व फूड मटेरियल होता है स्टार्च, ज़ेंथोफाइसी में रिजर्व फूड मटेरियल होता है ऑयल एंड ल्यूकोसाइन, रोडोफाइसी में रिजर्व फूड मटेरियल होता है फ्लोरिडिन स्टार्च, साइनोफाइसी में रिजर्व फूड मटेरियल होता है मिक्सोफाइसिन स्टार्चेस, फियोफाइसी में रिजर्व फूड मटेरियल होता है लैमिनेरिन या मैनिटॉल। थैंक यू।